चलिए तो अभी बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस लीचिंग की। ये क्या है, एक मेथड है या कह लीजिए इट इज अ केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स ओर को अलग कर रहे हैं इंप्योरिटीज से। अभी तक हम तीन मेथड पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है लीचिंग। लीचिंग क्या है, देखिए हर एक का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। इट इज बेस्ड अपॉन, ये किस पे बेस है, अपॉन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ गैंग एंड और पार्टिकल। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पे। क्लियर। इसका हम यूज कहां पे कर सकते हैं, यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सबसे जरूरी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। जो एल्यूमिनियम का सबसे फेमस ओर है वो है बॉक्साइट ओर। उससे आप लोग कैसे प्योर एल्यूमिना को ऑब्टेन कर सकते हो, उसमें हेल्प करता है लीचिंग। इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, ओर इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल लीचिंग रिएजेंट, विद अ सुटेबल लीचिंग रिएजेंट, लीचिंग रिएजेंट इन सच अ वे दैट ओर पार्टिकल्स आर सॉल्युबल इन लीचिंग रिएजेंट व्हाइल इंप्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। ये है सारे का सारा फंडा इसके अंदर। रिपीट करो, लीचिंग एक केमिकल सेपरेशन का मेथड है जो डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ओर की एंड गैंग की। गैंग बोले तो इंप्योरिटीज। हम कुछ इस तरह से हम एक ऐसा केमिकल यूज करते हैं जो कि ओर में तो सोल्यूबल है, जिसमें ओर तो घुल जाए एंड इंप्योरिटीज ना घुल पाए, तो इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रहेंगी, उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि चीनी और चावल मिक्स हो गए, आप लोगों को वो अलग करना है चीनी और चावल। अब क्या करोगे, तो वो तरीका है कि एक दाना उठा के करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको कर दो पानी में डाल दो, क्या होगा, जो चीनी है वो पानी में घुल जाएगी, जो चावल है वो पानी में नहीं घुलेगा। तो आप उसको छलनी से छान सकते हो, अभी चावल अलग हो जाएंगे, चीनी उस पानी के साथ अलग हो जाएगी, उसको ड्राई कर सकते हो एंड वो भूरा बच जाएगा। चीनी अलग हो गई है, चावल अलग हो गए हैं। यही तो मेथड है, यही तो कुछ यहां पे भी किया जा रहा है कि आपके पास सॉलिड ओर है जिसके अंदर इंप्योरिटीज घुली हुई है, तो आप उसमें क्या डालोगे, एक लीचिंग रिएजेंट डालोगे, एक ऐसा केमिकल डालोगे कि जो ओर है जो आपको चाहिए वो उस केमिकल में घुल जाएगा एंड जो इंप्योरिटीज है वो नहीं घुलेंगी एंड देन आप उसको फिल्टरेड आउट कर लोगे, उसे बोलेंगे फिल्टरेट। क्लियर है। अभी देखिए, तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जो कि मैंने बताया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3XH2O या फिर Al2O3 एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं, एल्यूमिना फ्रॉम किससे, बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला होता है Al2O3 and 2H2O। इसके अलावा इसमें इंप्योरिटीज भी होती हैं जो घुली हुई हैं, वो हटानी है। इंप्योरिटीज क्या हो सकती हैं सर, फेरिक ऑक्साइड या कह लो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा टंगस्टन ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड। इसके अलावा सिलिका, ये सब इंप्योरिटीज घुली हुई हैं।
इन सब इंप्योरिटीज को हमने इससे अलग करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम जो प्रोसेस यूज करते हैं लीचिंग है, एंड इसके एक स्पेसिफिक नाम आता है, इसे कहते हैं बेयर प्रोसेस। क्या बोला जाता है भाई, इसे स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है इसका बेयर प्रोसेस। अगर बेयर प्रोसेस भी आ जाए मतलब ये क्या है, लीचिंग है किसकी, एल्मिना की। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपके पास जो Al2O3 2H2O है, जो बॉक्साइट ओर है जिसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज हैं, उसको आप ट्रीट करोगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस होगा ये, यानी यहां पे वॉटर भी होगा, यहां पे इसको ले लो 2NaOH। अभी क्या होने वाला है, अभी आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा 2Na या Na2AlOH4, ये है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस NaOH के साथ जो एल्यूमिनियम है वो तो घुल गया, अब जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी इसमें से अलग हो चुकी हैं। वैसे इसको ऐसे लिखा जाएगा 2NaAlOH4। अभी देखना सब कुछ बैलेंस है क्या, आई होप तो हो जाना चाहिए भाई, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो। 2Na है ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। तो आपके पास क्या बन गया, 2NaAlOH4 इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, एंड जो इंप्योरिटीज है वो क्या रही, इनसोल्यूबल रही, देन आपने इसको फिल्टर आउट कर लिया। एक इंप्योरिटीज फिर भी भूल जाती है, वो है सोडियम सिलिकेट, सिलिका भूल जाता है। चलिए जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसको आप न्यूट्रलाइज करोगे दूसरे स्टेप में, किसके साथ रिएक्शन करोगे बेटा, प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2NaAlOH4 ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसकी आप लोग रिएक्शन करोगे किसके साथ, इसमें से पास कराओगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ अभी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अभी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा NaCO3 बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और क्या बनेगा, Al2O3 एंड XH2O, या लिख लीजिए 2H2O। देखना सब कुछ सही है, सब कुछ सही मिलेगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। लास्ट स्टेप क्या है, पहले में आपने क्या किया, जो आपके पास बॉक्साइट है उसमें आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाला, सो दैट क्या आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। इसकी रिएक्शन हुई है सिर्फ, जो इंप्योरिटीज है वो आपको नहीं दिखाई देगी, मैंने बोला था आयरन ऑक्साइड है, टंगस्टन ऑक्साइड है, सिलिकन भी होता है, सिलिका भी होता है, वो मैंने दिखाया नहीं है, कुछ एनसीआरटी में नहीं दिखाया गया, वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो आपके पास बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। दूसरे स्टेप में क्या है, जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसमें से आपने पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सो दैट की कुछ और जो इंप्योरिटीज है वो भी थोड़ी सी और अलग हो जाए, न्यूट्रलाइज हुआ, Al2O3 XH2O बना। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, Al2O3 XH2O जो है हाइड्रेटेड जो है, इसको आप हीट करोगे एट 1200 डिग्री सेल्सियस, या कह लीजिए 1473 केल्विन। तो अभी आपके पास क्या मिल जाएगा, Al2O3 अलग, XH2O अलग, ये था हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर भी जुड़ा हुआ है, और ये है प्योर एल्यूमिना, और यही तो आप लोग बनाना चाहते थे भाई, इसी के लिए तो सारी की सारी प्रोसेस की जा रही है। तीन स्टेप देखिए, रिपीट कर रहा हूं स्पीडली, ये आपके पास बॉक्साइट है जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, आपने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास बना सोडियम एल्यूमिनेट। अभी लिख के प्रैक्टिस कर लेना दो तीन बार, पांच बार मैंने बोला उसके बाद आपको खुद याद हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। ये आपके पास फिल्टर, अब इसको आप फिल्टर आउट करोगे, ये आपके पास और बन चुका है, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी रह गई है, सारी इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल रह गई है। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, Al2O3 XH2O 2H2O लिख लेना इसको, एंड NaHCO3। फिर भी थोड़ी सी और इंप्योरिटीज रहेगी, लाइक सिलिका जो है अभी भी है, तो आप क्या करो इसको और गर्म कर लो, तो आपके पास प्योर एल्यूमिना बन जाएगा, और ये हम लोग बनाना चाहते थे, और इसी के लिए लीचिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा फेमस है। चिपकाओ इसको कम से कम पांच बार अभी लिख के। चलिए अभी लीचिंग प्रोसेस का पार्ट टू देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका दूसरा नाम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, रिपीट करो, मैक
आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, और वो लास्ट वाली कौन सी थी, बेयर प्रोसेस थी, है ना। बेयर प्रोसेस किस लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर, एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है। एंड मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो प्रीसियस मेटल होते हैं, जो कीमती धातुएं होती है, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। देखो करना क्या, इसमें आप क्या करोगे, देखो वैसे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अच्छा सेम होती है दोनों के लिए, दोनों के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये प्योर ही होती है, बहुत कम इम्प्योरिटीज होती है, और वो भी कैसे निकाल सकते देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग लोगे, आपके पास मान लीजिए गोल्ड है, आप उसकी रिएक्शन करवाओगे विद डाइल्यूट सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड डाइल्यूट ना H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत ज्यादा आसान है ये भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर, अभी समझो, ये आप लोगे ऐसे करना, इसको 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 और 4, 2 जा 8। तो अभी क्या बनेगा सर, अभी देखिए क्या बनेगा, अभी आपके पास बनेगा 4 Na AuCN2+ 4 Na OH। देखो क्या होता है लीचिंग में, यही होता है ना कि जो मेटल है जिसके साथ कुछ इंप्योरिटी जुड़ी होती है, वो एक लीचिंग एजेंट के साथ सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और बना लिया, बन गया, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम ओरेट बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्योर नाम बिल्कुल सही नाम बोले सोडियम डाई साइनाइड ओरेट करके आए ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स है, बन गया, सारी सारी इंप्योरिटीज रह गई पीछे। अभी क्या करोगे, ये जो आपके पास है Na AuCN2 जो है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो किसके साथ, विद जिंक, तो जिंक यहां से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मेटल मेटल को रिप्लेस कर देगी। देखो इन दोनों ही प्रोसेसेस में आप लोग क्या करते हो, हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, Na के साथ, Ka के साथ, जो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव है। इसमें भी आपने क्या किया, पहले स्टेप में हाईली एक्टिव के साथ कराया, अभी क्या कराओगे, तो क्या होगा इसमें, अब ये जिंक इस गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा और हमें प्योर गोल्ड प्राप्त हो जाएगा, वही तो हमें करना है। पहले देखो यहां पे सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, इन सोल्युबल इंप्योरिटीज बन गई, अभी जिंक सोल्युबल हो गया है तो गोल्ड नीचे रहेगा, फिल्टर कर लेंगे और जिंक गोल्ड हमारे पास प्योर आ जाएगा। क्या होगा, फोकस कीजिए, Na2ZnCN4+ 2 Au गोल्ड हमें प्राप्त हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि 4 CN लगेंगे, 2 CN लगेंगे, एक जगह पे आप 2 CN जोड़ रहे हो, एक जगह पे आप 4 CN जोड़ रहे हो, ये सारे का सारा मैंने आपको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझाया हुआ है, जो लास्ट वीडियो थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, नॉमेनक्लेचर किया था हमने, दीक्षा का डाउट था शायद वो कि सर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नाम कैसे करते हैं, तो जब मैंने उसका नाम कराया था तब मैंने आपको मेटल का ना कोऑर्डिनेशन बताया था कि एक मेटल कितने लिगेंड्स के साथ जुड़ना पसंद करता है, है ना, तो वो आपको याद रखना है, अदरवाइज ये सिंपली भी याद हो जाएगा। एक बार बार बोल रहा हूं, रिएक्शंस को 5 बार लिख के लिखो और डेली एक बार जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलो ऐसे ही आप लोग सिल्वर के लिए भी कर सकते हो, आपने सिल्वर लिया, चलिए मार्कर कह रहा हूं, जो चेंज करते हैं Ag, ठीक है, ये है सिल्वर आपके पास, 4 के चलो बाद में लगाएंगे, इसकी रिएक्शन आप लोग करोगे मेटल साइनाइड के साथ, एक्टिव मेटल साइनाइड के साथ, ठीक है, और वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि वाटर भी होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन होती है। और क्या करना, आपने 1, 2 का 4 कर देना है, और 4, 2 जा 8, 1, 2 का 4 और 4, 2 जा 8। अभी क्या होगा, यहां पे आपके पास एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसे, कुछ ऐसे Ag CN2 और यहां पे K, 4 Ag CN2, बाकी क्या बचेगा आपके पास, KOH बचेगा, तो यहां पे आप लिख दोगे 4 KOH। अभी आपके पास क्या बन चुका है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अभी क्या करोगे, इसको डिस्प्लेस करोगे और यहां से प्योर मेटल को आप निकाल लोगे, तो यहां पे आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसकी जिंक के साथ, 2 टाइम्स करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास,
के टू, जेड एन सी एन फोर एंड प्लस में यहां पे आपको क्या मिल गया इसमें से 2 Kg मिल गया। तो देखो ना लीचिंग में पहले हमने बेयर प्रोसेस की, वो तो अल्मीना की एक्सट्रैक्शन के लिए थी, ऐसे आप लोग गोल्ड और सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस प्रोसेस का स्पेसिफिकली क्या नाम दोगे, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिपीट करो, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और देखो यहां पे हमें गोल्ड मिल गया, यहां पे हमें सिल्वर मिल गया, ये सिंपल सी हमारी लीचिंग है। बताओ मुश्किल है क्या, रिएक्शंस है वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा जी, चिपकाओ इसको भी।